अस्सलाम वालेकुम गुड्डू भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है आपसे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सिद्दीकी बर्ड्स इंफॉर्मेटिव चैनल। आज हम दोबारा मौजूद हैं बोलान फीड पे और आप देख सकते हैं ये जो है असल में होलसेल का मेन डिपो है। इनका जो अपना डिपो है ना होलसेल का है, तो इनका माल जा रहा है जमील मेमन सोसाइटी में। तो ये सब माल जा रहा है फार्म हाउस पर, आप देख सकते हैं ये लोडिंग चल रही है। ये शाम तक रवाना होगा लोड होके और फिर पहुंच जाएगा वहाँ पर। जो इनसे कांटेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, जो अपना सामान मंगाना चाहें। और कांटेक्ट नंबर हम आपको वीडियो के एंड में शेयर करेंगे। और इनका टोटल काम होलसेल पर है और जो रिटेल में लेना चाहे वो दुकान पे आके ले सकता है। दुकान आपको मोहसिन भाई दिखाएंगे कि इनकी दुकान है कहाँ, और इनका गोदाम भी दिखाएंगे। आओ, और ये देख सकते हैं माशाल्लाह फुल लोड हुआ हुआ है, क्योंकि मेन काम जो है होलसेल का है तो फुल भरी हुई है बोरियाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, सब माशाल्लाह ज़रूर बोलें, क्योंकि किसी की रोज़ी रोटी है, किसी का काम है, तो माशाल्लाह बोलना ज़रूरी है। तो ये सब जाएगा फार्म हाउस वगैरह पे, और जो ये बकरे के शौकीन हैं वो भी मंगा सकते हैं माशाल्लाह से। तो दोस्तों चलें आए, अब जो इस शॉप के ओनर हैं हम उनके पास चलते हैं और उनसे रिव्यू लेते हैं कि वो बताएंगे हमको सब कुछ कि माशाल्लाह ये माल सारा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। अस्सलाम वालेकुम गुड्डू भाई। वालेकुम अस्सलाम गुड्डू भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम है, शुक्र है मालिक का। माशाल्लाह ये आज हम सुबह ही सुबह आपके पास हमने छापा मारा, तो ये क्या हो रहा है माशाल्लाह से? माशाल्लाह ट्रक लोड हो रहा है? नहीं, ये माल हमारा होलसेल का काम है, ये डिपो है असल में। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको पूरे कराची में सबसे कम रेट में माल मिलेगा, माल भी एक रेट मिलेगा। अच्छा ये वैसे माल जा कहाँ रहे? ये माल तो जगहों जगहों पे जैसे जमीन मेमन मलीर में जितने फार्म है बाड़े है ये वहाँ पे जाता है। अच्छा माशाल्लाह, बाड़े वाले आपसे रास्ता करते हैं माल भी, फार्म हाउस वाले रूफी वाले जैसे अपना खुद माल मंगवाते हैं, जैसे कहीं से भी मंगवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाहौर पंजाब से जहाँ से मंगवाते हैं अपना माल मंगवाते हैं, अपना ही माल मंगवाते हैं। अच्छा माशाल्लाह। हाँ ये मिलों से आता है माल, साफ माल है, ये कोई गोदामों का माल नहीं है। गोदामों में होता है स्टॉक वाला माल, वो होता है खराब हो जाता है, बोरी पे बोरी रखी होती है, ये डायरेक्ट मिलों का माल है, ताजा राशन है। अच्छा माशाल्लाह। और आपके पास दवाइयाँ वगैरह भी होती हैं सारी, बकरों वगैरह की, परिंदों वगैरह की? सब होता है, वेटनरी होता है, परिंदों का बर्ड्स वगैरह का सबका काम करते हैं। अच्छा जैसे अगर आपसे बकरे में एक ज्यादातर अमूमन बीमारी पाई जाती है, पेशाब रोक लेता है वो, हाँ तो उसका क्या है? उसकी वैक्सीनेशन होती है, पेशाब के बहुत मामला होते हैं, कोई इसमें वैक्सीन से भी होता है, कुछ उसकी जो है ना ट्रीटमेंट भी की जाती है, दो तीन तरीके हैं उसके पेशाब के। बहरहाल कुछ बकरे के खाते ही अनाज वनाज ज़्यादा खाते हैं ना, तो उसमें पथरी बन जाती है, पथरी फट जाती है, वो निकालते हैं, फिर वैक्सीन करते हैं, पेशाब जारी रहता है। अच्छा आप होम डिलीवरी भी देते हैं? जी जी, होम डिलीवरी के चार्जेस आपके यानी अलग होंगे, वो वीडियो के एंड में हम आपका नंबर चला देंगे। जैसे कोई यहाँ लेकर आना चाहे बकरा तो यहाँ लेकर आ जाए तो उसका और फायदा है, क्योंकि उसके थोड़े पैसे बच जाएंगे। ठीक है, वरना आप होम डिलीवरी देते हैं? होम डिलीवरी। अच्छा गुड्डू भाई, जैसे ये आपका माशाल्लाह होलसेल काम है और हम ये देख भी रहे हैं माशाल्लाह ट्रक लोड हो रहा है होलसेल, आप बता रहे हैं कि आपका टोटल होलसेल का काम है। अब जैसे कोई बंदा कम क्वांटिटी में आपसे यहाँ पे माल परचेस करने आता है, जैसे बकरे का दाना गाय का दाना, तो उसको आप क्या रेट देंगे? वही रेट देंगे अमूमन जो और दुकानों पे, या आपके पास रेट फिर भी कम होंगे दूसरी दुकानों पे? आपकी रेफरेंस से जो भी कोई एक बोरी भी लेना आएगा तो हम वही रेट देंगे जो कराची में, ऐसा कोई रेट नहीं देगा, माल अच्छा। भी अच्छा होगा और रेट भी अच्छा होगा। अच्छा हाँ। एक नज़र आपके माल पे जरा नजरे करम करते हैं और बताते रहिएगा आप क्या क्या मतलब दिखा रहे हैं हमको। यहीं से शुरू करें पहले, में क्या ये परिंदों का आइटम है, ये सब है, ये जितना भी रखा हुआ, ये तो हमारे काउंटर सेल है ना, बाकी का काम हमारा होलसेल का है। वो तो मैंने पीछे दिखा दिया आपका माशाल्लाह गोदाम का काम है। बाकी ये आ रहा है हम इस पे, तो इस पे हाँ ये जो है ये देखो ना, ये मकरान की जो है ये कच्ची जोग लाती है, ऐसी जोग नहीं मिलेगी, ये ताज़ा राशन होता है। ये देखो ये गंदुम है जिसका आटा बनता है, वाला गंदुम है, ये रोजान वाला गंदुम, बलोचिस्तान वाला, ये छिलका है कली वाला, ऐसा छिलका होगा हमारा। सही है, ये ताज़ा चोकर होगी, फूल वाली चोकर होगी। सही है, ये दलिया होगा, ताज़ा दलिया चमक वाला, ये ताकि ये मिक्स आना हमारा।
अच्छा चूरी चले वाली चूरी होगी और चले जो निकलेंगे सब इसमें चला चला। अच्छा बाकी लोग जैसे इसमें बेसन वाली बेचते हैं। पुराना बेसन होता है ना। ठीक है ठीक है। मतलब माल माशाल्लाह एक नंबर मिलेगा। और जैसे ये कल रखी हुई है माशाल्लाह। ठीक है माशाल्लाह। और ये कल अच्छा दोनों में फर्क क्या होता है? बस ये है कि इसमें फर्क ये होता है ये जल्दी हल हो जाती है वो आधे घंटे में होगी ये 10 मिनट में पानी पानी हो जाएगी। फर्क है मतलब जानवर में अगर खिलाएं ये खिलाएं या वो खिलाएं कोई फर्क आता है? फर्क नहीं आया है। कल से जानवर कल का टाइम है गर्मी है ठंड में ये कम जाती है सर्दियों में कम होती है गर्मियों में खल चलते हैं। अब हम आते हैं दवाइयों की तरफ के माशाल्लाह क्या क्या दवाइयाँ देती है खुद से माशाल्लाह से होम सर्विस भी देते हैं। कोई बकरा परिंदा आपका बीमार है आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो अब हम गुड्डू भाई बताइएगा ज़रा ये दवाइयों के बारे में। दवाइयों के बारे में तो ये आपको मैं बताता हूँ कि ये अभी जो मौसम चल रहा है ना अभी इस महीने का मौसम तो ये दवाइयाँ ये वैक्सीनेशन हो रही है मतलब बाकी फिर अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे हाथ में ये आप ये सब ये ट्रीटमेंट की वैक्सीन जैसे कि अवर बीमारी जो बुखार में है अवर है 80% पे आ गया है पानी बह रहा है नाक बह रही है जैसे पीपीआर की ट्रीटमेंट की ये जो है ना ये वो है दवा। अगर आपने पीपीआर वैक्सीन नहीं करी तो ये पीपीआर में लगेगी ये वैक्सीन। ठीक है ये ट्रीटमेंट है और एक पीपीआर की वैक्सीन नहीं है ये ट्रीटमेंट है। एक होता है खुराक वगैरह खोलने के लिए तो वो अलग इंजेक्शन है वो है वेट 3 होते हैं वगैरह उसमें आते हैं फार्मूला आते हैं विटामिन के इंजेक्शन होते हैं उसमें खुराक वगैरह हाँ पड़ता है बहुत फर्क पड़ता है। और जैसे आप किसी तरह बकरों वगैरह का बात कर रहे हैं परिंदों की तरह आए तो परिंदों की भी सारी होती है दवाइयाँ इस तरह की होती है वो परिंदों के मोशन का मसला होता है परिंदे हवा में आते हैं इसमें बीमारी में ब्रीड नहीं कर रहे होते वो उसकी ब्रीड की भी वैक्सीन वगैरह होती है और ये दवाइयाँ कैप्सूल वगैरह होते हैं ये डलते हैं दाने में कुछ पानी में डलते हैं हाँ तो ये इनका ये होता है जैसे सॉफ्ट फूड बनाते हैं ना परिंदों की उसमें भी डलती है। इसके बारे में क्या बताएंगे जैसे एक बकरा है हाँ उसको मतलब उसकी टीन एज में ही हमें छत्ती करवा लेना चाहिए या बड़ी एज में? वैसे तो बकरा कम से कम 5 महीने में मतलब क्या बेहतर है आप ये बताएं आवाम को जानना है। देखो कोई लोग बड़ी उम्र में करवाते मैंने देखा बकरे मरते भी हैं तकलीफ का नहीं सह पाते तकलीफ वो काम करने वाला हो अच्छा तो फिर वो जो है ना बड़ी उम्र में भी जो है ना कुछ सरवाइव कर जाता है बकरा उसका कोई मसला नहीं होता। वो जो बड़ी एज में वो खस्सी कराते हैं ब्लेड वाला सीजर वाला जो होता है ना खस्सी ठीक है उसमें जो है ना वो उसके लिए जो है ना फिर उसके इंजेक्शन भी लगते हैं जख्म खुशक करने के उसकी 3 दिन वैक्सीन होती है। अब लोग करवा लेते हैं जो वो डॉक्टर ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं बस उसी दिन करके गए वैक्सीन करके गए और दूसरे दिन उनके पलट के भी नहीं देख रहे तो वो तो फिर वो तो बकरे जाएंगे मरेंगे बीमार होंगे। तो ये इसमें जो है ना और बच्चे जो होता है 3 महीने का 4 महीने का इसमें बिल्कुल भी ना करें खस्सी। वैसे असल मौसम जो अभी ठंडे मौसम में आएगा सर्दियों में जनवरी का महीना होगा हवा खुशक चलेगी उसमें जख्म जल्दी खुशक होगा और 4 महीने का बच्चा ऊपर हो 4 महीने का 5 महीने हो 6 महीने को मसला नहीं। अच्छा आप हमारे शौकीन भाइयों को ये बताएं जो घर में शौक कर रहे हैं कौन सी नस्ल का शौक किया जाए? अभी तो भाई शौक चल रहा है माशाल्लाह से भाई टेढ़ों में शौक चल रहा है टेढ़े अबलग पिंगनोस वगैरह में चंबे में के ये शौक है सर। बाकी शौक तो गुलाबियों का भी है भाई अब किसकी क्या शौक है क्या पालना चाह रहा है वो उसके ऊपर है। बाकी जो पैसा है वो टेढ़ों में क्योंकि ये ब्रीड भी अच्छी करते हैं और जल्दी करते हैं और जल्दी जो है ना ये वहाँ पर जो है ना मॉल में जुड़ जाते हैं। अब ये बड़े बकरे जो होते हैं ना ये थोड़ा सा जो है ना मसला खड़ा करते हैं बकरियाँ चर्बी में आ जाती हैं बकरियाँ क्रॉस नहीं हो रही होती ये छोटी जो होती है ना बकरियाँ टेढ़ी पैसों में इतने में ही आ गए यानी कि बड़े और छोटे बराबर ही रेट चल रहे तो इससे अच्छा मैं तो कहता हूँ टेढ़ी पाले बने टेढ़ी में शौक करें। हाँ वो अगर तैयार करना है तो फिर वो बड़े बकरे लें अपना सिंधी बकरे लें सिंधी लें अजरक लें इस तरह के बकरे उठाएं। गुलाबी तो बहुत महंगा पड़ जाएगा वो भी गुलाबी से ऊपर वजन करते हैं उनको आप खस्सी करवाएं उसके बाद विटामिन की वैक्सीन वगैरह करवाएं और उसकी हर महीने विटामिन की वैक्सीन करवाएं 15 दिन में करवाएं जितनी ज़्यादा करवाएंगे उतना बकरा ऊपर जाएगा क्योंकि दाना खिला के तो भाई उसको गटर में जा रहा है
अब नहीं लग रहा, कुछ जानवरों को लगता है, किसको नहीं लगता, जिनको नहीं लगता उनकी वैक्सीनेशन होती फिर लगता है। तो ये इस तरह का काम ना करें कि अगर किसी जानवर को लग रहा है तो उसकी डिवॉर्मिंग करवाएं भाई, उसकी वैक्सीन करवाएं। ये थोड़ी देर ऐसी बस पाले जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, तो वो आपको नुकसान ही देगा, आपका माल खाता रहेगा, 8,000-10,000 रुपये महीना खा जाएगा। बकरा वहाँ पहुँचा होगा 40 रुपये, बकरा खा गया 80-90 हज़ार रुपये। अच्छा बिल्लू भाई, अब आप अपनी दुकान का नाम और अपना मोबाइल नंबर हमें बता दें। मेरी दुकान का नाम है बुलाल फीड, मैं अपना विजिटिंग कार्ड शो करा देता हूँ। ये मेरी दुकान का नाम है बुलाल फीड, ये कार्ड है और ये मेरा नंबर है, ये व्हाट्सएप पे भी है और ये यूसुफ भाई का है और ये डाकखाना एक नंबर पे है। शो Thank you.